आप देख रहे हैं न्यूज लाइव खबरों की तहतर। नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र पांडे शालू। आप देख रहे हैं न्यूज लाइव खबरों की तहतर। तो आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। ज्ञानवापी मस्जिद मामले को लेकर बीजेपी प्रवक्ता कंचन द्विवेदी ने दिया बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि पूर्व में की गई गलतियों को सुधारने का मुसलमानों को मिल रहा है मौका। गंगा जमुनी तहजीब बेमिसाल को कायम करें मुसलमान। ज्ञानवापी मस्जिद मामले को लेकर बीजेपी प्रवक्ता कंचन द्विवेदी ने क्या कुछ और कहा, आइए खुद सुनिए। हिंदुस्तान का हर हिंदू आज आह्लादित, उत्साहित और प्रसन्नचित है और होना भी चाहिए। हाँ, हमारे हिंदुस्तान के जो अब्दुल कलाम जैसे कुछ हमारे मुसलमान मित्र हैं, भाई हैं, वो भी आज प्रसन्न होंगे। क्यों? क्योंकि 1669 में जो गलती एक व्यक्ति ने की थी, एक राजा ने की थी, वो गलती अब सुधारने का उनको मौका मिला है। मुझे लगता है कि उन्हें ये गलती स्वीकार करनी चाहिए। ये अपने आप को संवारने और स्वीकारने का वक्त है। जैसा कि वो हमेशा कहते रहते हैं कि गंगा जमुनी तहजीब है हिंदुस्तान में, तो आज उनके पाले में है कि आज वो इस चीज़ को सिद्ध करके दिखाएं कि हम लोग गंगा जमुनी तहजीब से आते हैं। और अगर हमारी ज्ञानवापी मस्जिद में अगर मंदिर के कुछ साक्ष्य मिल रहे हैं या फिर स्वयंभू के साक्ष्य मिल रहे हैं, तो उसे हर स्वीकार करना चाहिए और वो गंगा जमुनी तहजीब को स्वीकार करते हुए बताना चाहिए कि हम लोग हिंदुस्तान में रहने वाले लोग हैं। इसमें कहीं पर भी कोई खिन्नता या फिर क्रोध का कोई विषय नहीं होता। और फिर ये अदालत का, ये हमारी कोर्ट का फैसला है और चीज़ें क्लियर हो रही हैं। तो धार्मिकता के बेस पर देखा जाए ना, तो यहाँ पर कुतर्क करने की जगह मुझे लगता है कि हमारे नवाजी भाइयों को ये विचार करने की जरूरत है। विचारणीय बात है कि आप किसी एक व्यक्ति की गलती की वजह से आपको 350 ज्यादा वर्षों से भी ज्यादा आपकी नवाजें बेकार जा रही हैं। कम से कम प्रत्यक्षम किम प्रमाणम अब समझ जाना चाहिए कि वो उस व्यक्ति की गलती आप ना ढोएं और अपनी गलतियों को स्वीकार करके जो प्रत्यक्ष प्रमाण निकल रहे हैं उन्हें आप स्वीकार करें और उन चीजों से भागे ना, उन्हें कटाक्ष ना करें और स्वीकार करते हुए हम हिंदुस्तान में दोनों तरीके से रह सकते हैं। क्यों हमें मंदिर की या फिर मस्जिद की ही आवश्यकता है? हम दोनों एक साथ मिलके ही वो सिंगार गौरी और वहां पर जो मस्जिद है, उन दोनों का सामना क्यों नहीं कर सकते? हम दोनों एक साथ क्यों नहीं रख सकते? अगर ये प्रमाण हमारे देश से दुनिया में जाएगा तो कहने के लिए हमारे भारत में ये चीज बहुत ही अच्छी होगी और सच में प्रमाणित हो जाएगा कि हम गंगा जमुनी तहजीब से आते हैं, हम भाईचारे को लेकर के आते हैं और यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई राजनीति धार्मिकता को लेकर के नहीं। ज्ञानवापी मामले में शिया पर्सनल लॉ बोर्ड का बयान। बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना यासूब अब्बास ने कहा कि इबादत गाहों पर सियासत अच्छे मुल्क की निशानी नहीं है। हमारे मुल्क में शिक्षा, विकास, गरीबी और बेरोजगारी की बात नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि मुल्क में मंदिर मस्जिद पर सियासत हो रही है। धर्म को सियासत से अलग रखना चाहिए। न्यूज लाइव ब्यूरो रिपोर्ट। आपकी मस्जिद का मामला जो तूल पकड़ता जा रहा है और जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि वहाँ के ऊपर शिवलिंग निकला है और वहाँ के ऊपर वजू खाने को बंद कर दिया गया है, अभी कोर्ट के अंदर साक्ष्य पेश नहीं किए गए हैं और मस्जिद किसी गजबी जगह के ऊपर हो नहीं सकती है। हम कोर्ट के फैसले का पूरी तरीके से सम्मान करते हैं, मगर बड़े अफसोस की बात है, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो या जो भी इबादत की जगह हो, उसको जो है इस तरीके की सियासत में डालना ये अच्छे सेहतमंद मुल्क की निशानी नहीं है कि कोई भी आदमी खड़े हो के कोई भी याचिका दायर करे और उसके बाद में कहे कि नहीं साहब, एक तो वर्शिप एक्ट 1992 में जब ये तय हुआ था कि यथास्थिति बरकरार रहेगी जितनी भी धार्मिक इमारतें हैं एक्सेप्ट बाबरी मस्जिद को छोड़ के, मगर बड़े अफसोस की बात है कि हमारे मुल्क के अंदर शिक्षा पर बात नहीं हो रही है, हमारे मुल्क में विकास पर बात नहीं हो रही है, हमारे मुल्क में गरीबी, बेरोजगारी और जहालत पर बात नहीं हो रही है, हमारे मुल्क में मंदिर और मस्जिद की सियासत हो रही है। इसकी मैं भरपूर तरीके से मजम्मत करता हूँ। धर्म को अलग रखें, सियासत को अलग रखें। जिस दिन धर्म और सियासत ये दोनों चीज़ें मिल गई तो उस दिन हमारे मुल्क के लिए ये अच्छी निशानी नहीं है। लिहाजा मैं अपील करता हूँ हिंदुस्तान की एकता के लिए कि आपसी सौहार्द, आपसी एकता, आपसी भाईचारा बनाए रखें,
कोर्ट को अपना काम करने दें, आप अपना काम करें। अब समय हो चुका है एक ब्रेक का, तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए न्यूज लाइव खबरों की तह तक, और हाँ, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट अपडेट के लिए आइकॉन बेल दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अनूप सोनी। अगर आपके अंदर छुपा है एक बेहतरीन एक्टर, अगर आपके अंदर है एक्टिंग का शानदार हुनर, तो यूनिवर्सल स्टारडम एक्टिंग एकेडमी आपके लिए लेकर आए हैं एक एक्टिंग टैलेंट हंट, जिसमें वो आपको मौका देंगे उनके साथ काम करने का, और वो भी मुंबई में। तो जल्दी से अपने ऑडिशन रजिस्टर करें इस पते पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं के कॉमर्स क्लासेस, लखनऊ ज्वेलर्स, विकल्प प्रॉपर्टी, वासुदेव इंटरप्राइजेज, श्री बालाजी होम्योपैथिक क्लिनिक। आप देख रहे हैं न्यूज लाइव, खबरों की तह तक।